व्हाट्स अप, आई होप यू विल बी गुड। टुडे वी आर लर्न कॉर्क फ्लिप। सो मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया था एंड हमारे वही चलता है कि हमारे जो सबसे पहले कमेंट कर देगा उसके लिए ट्यूटोरियल लेके आएंगे। सो मैं लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो कर दे सर, लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट चीट गेनर एंड जे स्टैप, इट इज़ मैंडेट कॉर्क। सो लाइक मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपको मैं जे स्टैप बता दूँ, देन चीट गेनर बता दूँ, दोनों का प्रोसेस बता देता हूँ, फिर हम कॉर्क के लिए जाते हैं। क्या होना है, ठीक है? देन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड हाथ को आपको पीछे करना है, देन ये स्विंग। सो दोबारा करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड स्विंग। सो ये है जे स्टेप, एंड अब आपको चीट गेनर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आपको आनी चाहिए चीट गेनर, लाइक दिस, ठीक है? ये चीज़ आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, तो ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है? अब आगे का स्टेप, अब आपको क्या करना है, आपको वही सारा पैटर्न यूज़ करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्विंग करना है, देन लेग को थोड़ा पीछे करना है एंड इस हैंड को लगा लेना है, लाइक ये स्टेप, ये। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और हाइट गेन करना है एंड नेक को ऐसे करना है, लाइक दिस, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ आ गई है जो कि कॉर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो फिर कॉर्क के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही चीट गेनर लेना है हाइट से, देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट होना है, लाइक इतना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक कुछ इस टाइप का। आपने देखा मैं ऐसे थोड़ा रोटेट हुआ, मेरी जो कमर है वो भी थोड़ी घूमी। अगेन करते हैं एक बार और, आपको ये करना है। एंड अब आपको क्या करना है, आपको एक आना चाहिए सीधा ट्विस्ट, लाइक स्टैंडिंग ट्विस्ट कुछ उस टाइप का। बट आपको क्या करना है, एकदम सीधा करना है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है, लाइक जिससे आपको जो अंदर से डर हो वो निकल जाए और आप एक ट्विस्ट के लिए जा सको। लाइक आपको ट्विस्ट कैसे करना है वो सब आपको पता चल जाए, मैं करके दिखाता हूँ सीधा ट्विस्ट। वही सब करना है, पूरा जे स्टेप एंड देन स्विंग एंड सीधा कुछ इस टाइप का। अगेन करते हैं जे स्टेप एंड ये कुछ इस टाइप का। सो आपको मोशन पता चल गया होगा, इतना सब मैंने बता दिया, आपको मोशन पता चल गया होगा। अब आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, लाइक जाना है चीट गेनर एंड बॉडी को नीचे की तरफ खींच लेना है, लाइक ये आप गए ये एंड नीचे खींच लेना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो लाइक ये लिया, ये कुछ इस टाइप का। तो आपने देखा ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत इजीली सीख जाओगे। सो देखा मैंने कॉर्क पूरा कर लिया, बस अब आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और अपने स्विंग को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि ऊपर खींचना है। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, स्विंग को भी खींच लेते हैं एंड इसको भी ऊपर कर देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको खाली स्विंग स्विंग करना है एंड इसको नीचे गिराना है ताकि बॉडी ऊपर से आए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्विंग खींचना है एंड हॉप लेना है, लाइक हॉप ऐसे गए ऐसे, स्विंग एंड हॉप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। तो अब हम करते हैं एक और, क्योंकि बहुत एकदम सेक्सी वाली करेंगे, हाइट एंड इन सब चीज़ करेंगे, ठीक है? और फुल पावर से जे स्टेप चीट गेनर सब चीज़ इन्वॉल्व कर देंगे उसमें। करते हैं कुछ भी हो, हार्ड नहीं है और सामने मैंने आपको सारी टेक्निक बता दी। सो वीडियो यही था हमारा आज का मेन पर्पस, कि आपको कॉर्क सिखाएं इजी वेज में। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एंड तब तक ले टाटा बाय बाय।